ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली के कई प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से फी और डेवलपमेंट फंड के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। स्कूलों के नए सेशन में जब इसकी शिकायत दिल्ली दर्पण टीवी को मिली तो हमने भी इसका जायजा लिया और हमारी पड़ताल में जो कुछ सामने आया वो ये बताने के लिए काफी था कि शिक्षा विभाग और उनके आदेशों को निजी स्कूल किस तरीके से ठेंगा दिखाकर अभिभावकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एडमिशन चार्जेस हैं, एनुअल चार्जेस हैं 3520। वन टाइम चार्जेस, एडमिशन चार्जेस 15,000 ओनली एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यू हैव टू पे वन टाइम चार्जेस। अच्छा, कंसोलिडेटेड यहाँ का क्या फीस का मैम? एडमिशन जो चार्जेस हैं सर आपकी 45 रहेंगे। रिसीविंग तो मुझे मिली जाएगी, उसमें डिटेल कोई नहीं होगी? हाँ, डिटेल नहीं होगी। प्राइवेट स्कूल शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकते। दिल्ली सरकार के इस आदेश की प्राइवेट स्कूल कितनी परवाह कर रहे हैं, ये तस्वीरें इसी की पोल खुलती नजर आ रही हैं। अक्सर अभिभावक स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आते हैं। इस तरह की शिकायतें और तस्वीरें सामने आने के बाद दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने अभी हाल ही में 27 मार्च को नोटिस जारी किया और साफ कर दिया कि ऐसी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शिक्षा विभाग की इस चेतावनी का ना तो कोई डर है और ना कोई परेशानी। इसके बावजूद प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। सरकार की हिदायत है कि स्कूल एडमिशन फीस के नाम पर केवल 200 रुपए ही लिए जा सकते हैं, लेकिन हमने कई स्कूलों में पड़ताल की तो सामने आया कि स्कूल 15 से 20 हजार से लेकर 40 से 50 हजार रुपए एडमिशन फीस के नाम पर ले रहे हैं। नए सत्र में एडमिशन का दौर निजी स्कूलों के लिए कमाई का मौका होता है और इस बार भी ये स्कूल अभिभावकों से मनमानी फी वसूल रहे हैं और इनका हिसाब भी अभिभावकों को नहीं दे रहे हैं। ऐसे शिकायतों के बाद दिल्ली दर्पण टीवी ने भी नॉर्थ दिल्ली के 3 बड़े स्कूलों में पड़ताल की। वन टाइम चार्जेस, एडमिशन चार्जेस 15,000 ओनली एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यहाँ का क्या फीस का मैम? एडमिशन जो चार्जेस हैं सर आपकी 45 रहेंगे। 15,000 एडमिशन चार्जेस। सबसे पहले हमारी टीम नॉर्थ दिल्ली के पीतमपुरा स्थित नव भारती पब्लिक स्कूल पहुंची। हमारी टीम ने अभिभावक बनकर जब स्कूल प्रशासन से एडमिशन की बात शुरू की तो बिना देर और बिना झिझक उसने एडमिशन फीस के साथ साथ कई शुल्क सरपट बताते हुए शुरू कर दिए। हालांकि उसने ये सावधानी जरूर बरती कि अपने हाथ से लिखकर कुछ नहीं दिया। स्कूल के रिसेप्शन पर बैठी इंचार्ज बताती गई और हमने अंडर कवर रिपोर्ट लिखना शुरू कर दिया। मैम, एडमिशन के लिए पूछना था। हो जाएगा, आप डिटेल्स नोट कर दीजिए। 15,000 एडमिशन चार्जेस हैं। एडमिशन चार्जेस 15,000। ओके, तो मैम ये जो एडमिशन चार्जेस आपने बताया 15,000, इसमें एनुअल चार्जेस है, ये पूरा एनुअल चार्जेस है या इसमें कुछ और भी होता है? नहीं, ओनली एडमिशन चार्जेस एंड एनुअल चार्जेस मिक्स है इसमें। मतलब उसमें होता है ना, एनुअल चार्जेस एक फिक्स अमाउंट ही तो होगा, तो वो पता होगा ना एनुअल चार्ज कितना होता है? एनुअल चार्जेस में है 3520 इज एनुअल चार्जेस और बाकी जो अमाउंट है वो एडमिशन चार्जेस। एडमिशन चार्जेस
मौजूद हूँ अशोक विहार स्थित स्प्रिंग डेज स्कूल के ठीक सामने, और ये वही स्कूल है जब हमने यहाँ पर एडमिशन को लेकर के बातचीत करने की कोशिश की तो इस विद्यालय की ओर से 15,000 रुपए वो भी नगद में मांगे गए। इसके बाद हम पहुंचे अशोक विहार फीस 1 में स्थित स्प्रिंग डेज पब्लिक स्कूल में। कहने को तो सरकार ने एडमिशन फीस केवल 200 रुपए तय की है, लेकिन ये स्कूल 15,000 रुपए की डिमांड करता नजर आ रहा है, वो भी नगद, क्योंकि अगर नगद देंगे तो छुपा भी पाएगा। इसकी कोई रसीद स्कूल ने देने से साफ इनकार कर दिया। अब जरा इनकी सुन लीजिए कि कैसे ये मनमानी रकम वसूल रहे हैं। एग्जामिनेशन फीस 500 ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार आपको एग्जामिनेशन फीस देनी है। वन टाइम चार्जेस एडमिशन चार्जेस 15,000 ओनली एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यू हैव टू पे वन टाइम चार्जेस। ये आपको वन टाइम, ये जो 15,000 है ये एडमिशन के एडमिशन चार्जेस, ये 15,000 बताया आपने किस चीज का है? ये एडमिशन चार्जेस, ये एडमिशन चार्ज। हाँ जी, सो टोटल इट्स 31,000 टोटल है। 31,000 हो गया ये टोटल। 31,000 जैसे मैं पे करता हूँ तो रिसीप्ट कितने का मिलेगा? नहीं सर, ये तो हम आपको एक कैश मेमो पे रिसीविंग दे देंगे। अच्छा, ये आपने बताया, ये तो हम आपको एक कैश मेमो। नॉर्थ दिल्ली के कई स्कूलों के पड़ताल के बाद हम पहुंचे पीतमपुरा राजनगर स्थित राइजिंग स्टार एकेडमी, और इस स्कूल के खिलाफ पहले से ही कई नियमों के उल्लंघन को लेकर के बेईमानी, जालसाजी और धोखाधड़ी के कई आरोप लगते आ रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ FIR तक दर्ज हो गया है और कई बार स्कूल की मान्यता रद्द किए जाने का नोटिस भी जारी हुआ, लेकिन इसके बावजूद ये स्कूल नियमों को ठेंगा दिखाकर एडमिशन के नाम पर खुलकर 40,000 से 50,000 रुपये तक की डिमांड कर रहा है। इसके अलावा स्कूल को इतना डेवलपमेंट फी, इतना एनुअल चार्ज और इतने फी लेने की परमिशन नहीं है, लेकिन ये धड़ल्ले से वसूली कर रहे हैं। 2 बच्चे के एडमिशन पर 90,000 रुपये तक की डिमांड कर रहे हैं, और ये जो डिमांड हो रही है इनका ये जवाब और सवालों के जवाब भी ये अभिभावकों को नहीं दे रहे। And what is the fee structure? It's very simple. In 14,000 we are including everything, 1 year of annual charges, 1 month of April fee, the examination fee, the skill development fee, everything is included in that. 40,000 rupees annual charges हैं, तो annual charges तो मैम मेरे ख्याल कम होता है ना amount, जो 12,400 भी हमारा है। आपका कितना है? 12,400 40,000 annual charges. No sir, these are not annual charges. जी, we are taking 40,000, उसके अंदर ही एनुअल चार्जेस भी हैं, उसके अंदर 1 month की फीस भी है, उसके अंदर एग्जामिनेशन फीस भी है, उसके अंदर सिर्फ स्किल डेवलपमेंट। तो मैम जैसे एडमिशन फीस होती है जैसे 200-300 रुपीस होती है, तो थोड़ा सा मुझे ये समझ, जैसे मैं पीछे ऐसे रिवर्स कराऊंगा तो वो लोग ऑब्जेक्शन तो नहीं करेंगे इसमें कि ये इतने चार्जेस कैसे हैं? एडमिशन की फीस है, स्कूल 1 लाख रुपीस ले रहे हैं, स्कूल 80,000 रुपीस ले रहे हैं। आई एम वर्किंग इन अ स्कूल एज वेल, तो आई नो अबाउट अदर स्कूल एज ऑल्सो। ओके, अदर स्कूल्स आर चार्जिंग सर 90,000, 1 लाख। ये पूछे जाने पर कि क्या उनको ये पैसा लेने की परमिशन है, तो सुनिए क्या कहना है स्कूल टीचर का। तो जैसे पीछे से अगर कोई वेरिफिकेशन आता है तो ये आपका वेरीफाइड है सारा, जो ये अमाउंट आप मांग रहे हैं 40,000 रुपीस, जैसे मेरे ऑफिस से कोई वेरिफिकेशन आता है? सर हम, मुझे नहीं लगता हम एक्सेप्ट करेंगे कुछ भी, क्योंकि हमारे यहाँ से सिस्टम ऐसा नहीं है बिजनेस का। अच्छा, और भी एक दो पेरेंट्स ने हमें कंसर्न बताया था, पर हमारा स्कूल इन चीजों में नहीं है। मतलब आप लोग उसको वेरीफाई नहीं करेंगे ना? नहीं सर, जवाब नहीं देंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। राइजिंग स्टार स्कूल में 36 साल से अधिक कार्यरत श्री रामलगर, जिनके ऊपर अभी कुछ समय पहले नेताजी सुभाष पैलेस थाने में 420 की धारा में FIR भी दर्ज हुई है, सुनिए क्या कहना है उनका। रिसीविंग तो मुझे मिली जाएगी। हाँ, कंसोलिडेटेड दे देंगे एक रिसीप्ट, दिस मच अमाउंट। अच्छा, कंसोलिडेटेड दे करके उसमें रिसीप्ट लगा देंगे, उसमें डिटेल कोई नहीं होगी? हाँ, डिटेल नहीं होगी। अब वो डिटेल पे ही अड़ते हैं, वो लोग कहते हैं आपने तो मतलब ये रिसीप्ट दे दिया या आपने डोनेशन दी। इतना होगा डोनेशन, कौन सा डोनेशन इसमें आता है? 35,000 उसमें देखो,
आपका तो 12,500 रुपये खाली डेवलपमेंट चार्ज है, बाकी सारे चार्जेज, जबकि उसमें आपको बताया है कि आपके यहाँ एडमिशन के चार्जेज होते हैं, कई उसमें ऐड होते हैं, एग्जामिनेशन फीस वगैरह सब कुछ है इसमें, सब शामिल है आपकी। अच्छा, हाँ और क्या, तो वो सारी कई चीज़ें वो मेंशन नहीं होती हैं, वो सब इसमें ले लेते हैं द टाइम ऑफ द एडमिशन। देखिए कैसे राइजिंग स्टार स्कूल के पिछले पेरेंट्स से 40,000 मांगने के बाद अगले पेरेंट्स से 45,000 की डिमांड कर रहे हैं, और यहाँ तक कि पेरेंट्स के पूछने पर वो बता भी नहीं पा रही हैं कि ये पैसे किस बात के लिए लिए जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यहाँ का क्या फीस का मैम? एडमिशन जो चार्जेस हैं सर आपकी 45 रहेंगे। तो ये 45 में फिर क्या होगा? एक सर, तो फीस होगी आपकी एक महीने की, आपके एक साल के जो एनुअल चार्जेस होते हैं हमें हर साल देने होते हैं। 12,400 बता, वो हर साल? हर साल होते हैं सर। ये हर साल 12,400 देने पड़ेंगे या 45 देने पड़ेंगे मैम? सर 45 आपको एक ही बार ही देने हैं। अच्छा, वन टाइम आपको, मुझे किसी भी साल में 45 नहीं देने। ओके, वो फिर 12,400 चार्जेस होते हैं स्कूल के, अभी तो देखो 12,400 एक हो गए मैम, 4,000 आपने अप्रोक्स फीस लगा ली है, ये हो जाएगा अपना अप्रोक्स 17 के आसपास हो गया, और अदर फिर मैम 30,000 जो हमारे स्कूल के वो है ना एडमिशन के लिए, अगर मान लो मैं हूँ मुझे अपने एडमिशन कराना है तो स्कूल आपसे उतने पैसे ही ले रहे हैं, ये सब पेरेंट के लिए एक है। नहीं मैम, जैसे मैंने आप उसको अलग अलग डिफाइन नहीं कर पाओगे। ओके, तो 28 का मतलब कोई है? ये स्कूल के सर, स्कूल के चार्जेस हैं कि स्कूल जो आपसे लेता है उसके अंदर सब चीज़ें, क्योंकि एग्जामिनेशन फीस होती है, स्किल डेवलपमेंट फीस होती है, एक्स्ट्रा करिकुलम का कुछ होता है, वो सब उसके अंदर ही होता है। बस ठीक है, बस इसमें ये वाला थोड़ा सा, ये 45 वाला मेरे को थोड़ा वो लग रहा है, वन टाइम अगर आप लगाओ ना दोनों बच्चों का वन टाइम, मेरे को 90,000 अराउंड 1,00,000 हो गया। 1,00,000 रुपये ले रहे हैं आपको पता है, और आपको उसके अंदर स्कूल की फीस भी, अब ये जो सेंट कोलंबस में आप जाओगे 50,000 रुपये आपसे लेंगे, स्कूल की फीस भी इंक्लूड नहीं करके देंगे, क्या करोगे? और देखिए किस तरह राइजिंग स्टार स्कूल की टीचर पेरेंट को 90,000 कैश में लेकर आने की डिमांड करती नजर आ रही है। अच्छा, ये इसमें मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा मैम? सर कैश, और अगर आप वो अभी जो आप करोगे वो तो दैट विल बी कैश 45। हाँ, एडमिशन का जो है। चलिए, मतलब अप्रोक्स मैं 80 के आसपास ले आऊं। आप कोई बात नहीं, पूरे लेकर आना, लेके 90 जाऊं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इन प्राइवेट स्कूलों पर दिल्ली के शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री की नजर नहीं है? राइजिंग स्टार तो धांधलियों का अखाड़ा है, बावजूद इसके ये भी अगर इस तरह से अवैध रूप से मनमानी रकम वसूल रहा है तो फिर क्या दिल्ली सरकार भी प्राइवेट स्कूलों पर मेहरबान है? क्या सरकार और स्कूलों की मनमानी के बीच में कोई गहरा संबंध है? क्या इस सिस्टम के सामने आने के बाद इन पर कोई कार्रवाई होगी? ये सवाल वही खड़े हैं। बहरहाल निजी स्कूलों के खिलाफ हमारी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहरे प्रशासन और खुद को ईमानदार कहने वाली दिल्ली सरकार तक इन निजी स्कूलों की कारगुजारियां पहुंच सके। कैमरा पर्सन अमिताभ चौधरी के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।